ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने भागलपुर के जो हमारे कुछ रैंडम क्लिप्स थे सारे दिन के, उसको मैंने ऑल टुगेदर एक साथ करके एक वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये छोटी सी क्लिप है जो हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसका। बेसिकली घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, इसके लिए ही हम भागलपुर ट्रैवल कर रहे थे। तो ये छोटी सी क्लिप उसकी है। ये क्लिप है मानस का बचपन का फ्रेंड अभिषेक। मैक्सिमम टाइम हम उसके घर पे ही रुके थे, तो उसका टेरेस गार्डन जो है उसकी क्लिप है। बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पे। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे बिताया। तो बस छोटा सा गार्डन है, उसकी ये क्लिप्स है। ब्लू बिल्डिंग है, ये है मानस का स्कूल। कुछ बताना चाहते हो मानस अपने स्कूल के बारे में? सीसी का जूनियर सेक्शन है। अच्छा, तो कितने क्लास से तुम यहाँ पढ़े हो? से 5 तक होता था। और ये जो रेड वाला है ये दिख रहा है यहाँ सामने, ये मेन गेट है एंट्री। और ये यहाँ से अभी ये जो रेड वाला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये मेन गेट है। और ये पूरा पीछे तक है, पीछे वो एक ऑफिस भी बना हुआ है बहुत बड़ा सा। और ये ब्लू बिल्डिंग है माउंट सीसी जूनियर स्कूल। और अभिषेक की ही बिल्डिंग में बिकनपुर गुमटी नंबर 3 में ये है थिरकन के नाम से डांस स्टूडियो। इवनिंग के टाइम पे हम लोग जा करके वहाँ पे देख रहे थे। बहुत अच्छे से जो टीचर हैं वो बच्चे को सिखा रहे थे, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप उनके डांस की भी ली। इनकेस अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिकनपुर गुमटी नंबर 3, और डांस स्टूडियो का नाम है थिरकन। 5, 6, 1, 2 लेफ्ट के लिए पीछे आएगा, देन लेफ्ट के राइट और थ्री राइट पीछे आएगा, देन राइट फिर आगे आएगा, देन लेफ्ट ज्वाइन करेगा राइट को, ऐसे करते हैं, देन लेफ्ट डाउन 5, 6, 7 go। तो ये आ गए हम लोग SM कॉलेज रोड, और बहुत सारी पुरानी यादें इस रोड से जुड़ी है। मेरी बहन यहाँ पे हॉस्टल में रहा करती थी और उसके साथ मैं भी, तो बहुत पुरानी जान पहचान है यहाँ से। इस रोड में फ्रिक्वेंटली आना जाना रहता था मेरा स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड रोड पूरा चला जाता है आदमपुर, और ये इधर चला जाता है तिलका मंच की तरफ, बड़ी खंजरपुर। हाँ, बड़ी खंजरपुर इधर चला जाता है, और ये स्ट्रेट SM कॉलेज रोड। यहाँ पे पहले हमारा इंस्टीट्यूट हुआ करता था। थोड़ा गाड़ी स्लो करो यहाँ, साइंस या जहाँ पे मैं और मानस साथ में ट्यूशन पढ़ा करते थे, ऊपर बंद हो चुका है जो कि अब बंद हो चुका है। तो तभी बस हमारी दोस्ती थी, प्यार मोहब्बत नहीं था तभी। ये मैं आपको आज से कितने साल पुरानी बात बता रही हूँ, 10-12 साल पुरानी बात बता रही हूँ, उससे भी ज़्यादा। तो हम यहाँ पे ट्यूशन्स लिया करते थे, क्लासेस हमारे यहाँ पे होते थे। यहाँ दोनों ही तरफ आपको हॉस्टल्स, लॉज ये सारे मिलेंगे, ताकि जो लड़कियाँ SM कॉलेज में पढ़ती हैं, स्टूडेंट्स बच्चे, वो यहाँ पे स्टे कर सकें। तो ये सारा एक तरफ से हॉस्टल्स है। अभी दिवाली छठ का टाइम है, 2-3 दिन बाद छठ पूजा है, तो कॉलेजेस मेरे ख्याल से बंद है, वरना इस रोड पे काफ़ी स्टूडेंट्स की भीड़ रहती है, आप गाड़ी इस तरह से ला भी नहीं पाएंगे। और ये है SM कॉलेज रोड, और साथ में ये है SM कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। और इससे आप स्ट्रेट जाएंगे तो गंगा घाट है। 2 दिन बाद छठ पूजा है, और इस तरफ गंगा घाट है, तो नहाने वाले की भीड़ लगी हुई है। यहाँ लोग अलता भी लगा रहे हैं, तो पूरे छठ पूजा करेंगे, उनकी भीड़ है। और
ये राइट हैंड साइड पे है SM कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। अरे नहीं भैया, तो आम दिन पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है स्टूडेंट्स की, लेकिन अभी छुट्टी है तो पूरा रोड खाली है, वरना आप गाड़ी यहाँ पे लेकर के नहीं आ पाएंगे। पतली रोड है और स्टूडेंट्स के लिए ही, स्टूडेंट्स से ही सारी पूरी भीड़ रहती है। और ये सारा कॉस्मेटिक्स का दुकान है, हर जगह हम लोग आते थे। और यहाँ पे था साइंसिया कोचिंग सेंटर, जहाँ पे मैं और मानस साथ में पढ़ाई करते थे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे। अब वो बंद हो गया है, पर अब कुछ और ही यहाँ चलता है। हाँ, इसके नीचे हम लोग यहाँ खाते थे मिठाई विठाई, ये शॉप पहले भी थी, लेकिन इसके ऊपर जो हमारा कोचिंग सेंटर था वो बंद हो गया। और ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो हम अंदर गली में जाते हैं, मनाली होटल था इस तरफ, और मनाली होटल के बैक साइड पे यहाँ पे एक आंटी का पीजी था, जहाँ पे मैं और मेरी बहन रहा करते थे। तो अब आंटी तो यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं, मे बी दिल्ली, शायद वो दिल्ली चली गई हैं। तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपको वो जगह भी दिखा दूँ जहाँ पे हम लोग रहते थे। तो ये जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, अब ये नर्सिंग होम बन चुका है, डॉक्टर चंद्र किशोर नर्सिंग होम। इससे पहले यहाँ पे आंटी अंकल रहा करते थे, जिनके घर पे हम पीजी में रहते थे पेइंग गेस्ट में। अब वो यहाँ से सारा सब कुछ सेल आउट करके दिल्ली जा चुके हैं, और यहाँ पे नर्सिंग होम बन चुका है लगभग 1.5-2 साल यहाँ पे, जब तक मैं यहाँ पे रही हूँ, मेरी बहन भी रहती थी। और यहाँ से स्ट्रेट रोड है, और यहाँ से जब आप राइट लेंगे तो SM कॉलेज रोड निकल जाएंगे। भागलपुर में पढ़ाई लिखाई का बहुत ही ज़्यादा माहौल है, हर जगह आपको कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट्स और अलग अलग तरह के एजुकेशन सेंटर दिखाई देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आ गए हम लोग भागलपुर सब्जी भागलपुर का सोना पट्टी, और आज छठ का सुबह वाला अर्घ का दिन है, तो सारे जो शॉप्स हैं वो क्लोज हैं। और हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ घर से घर के लिए सामान लेने आए थे। मानस तुम ये अपना खोले क्यों नहीं हो? हेलमेट एकदम एलियन लग रहे हो तुम, सिर्फ तुम्हारे हाथ में झोला के बदले एक ना रेडियो होना चाहिए था तुम पीके लगते। फिर बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल डोर्स, और ये पूरी चांदनी चौक वाली वाइब आ रही है यहाँ से। ये रहा अंदर पूरा सोना पट्टी। तो अभी जो नेक्स्ट क्लिप्स आ रहे हैं कुछ, वो मतलब भागलपुर में जो हम रहे उसका हमारा सबसे बेस्ट क्लिप है। मानस का एक्चुअली बचपन का फ्रेंड है अभिषेक, जिसके घर पे हम रुके भी थे, और बहुत ही अच्छा गाता है वो। तो जब हम जाने लगे लास्ट दिन, हमारी एक फ्रेंड भी थी सौम्या साथ में, तो हम साथ में बैठ करके एक छोटा सा हमने इवनिंग में गेट टुगेदर सा रखा था, तो बहुत अच्छा उसने गाना गाया, बहुत ही अच्छा गाता है वो। तो उसके कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं यहाँ पे अभी लगा रही हूँ आप लोग के लिए, आप लोग भी उसको सुनिए। और उसका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी उसका लिंक, इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए। प्यार में दीवाना हो गया। आ, 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 आ,
मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। तुमको किस गाने के लिरिक्स पता है? और इसके साथ ही हमारा भागलपुर का व्लॉग खत्म होता है और मैं आपसे मिलूंगी अब नए व्लॉग में, जो कि होगा भागलपुर टू कटिहार ट्रैवल व्लॉग। और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।